पासपोर्ट साइज फोटो खींचने लगी। अली आ नहीं देखना आ करना अली मेनु वीडियो इतनी ज्यादा एडिट करनी पै जानी है ना तेरी इतना हरकत और खाते नाल बैठ फिर इधर उधर और लुक भी नहीं अप्लाई कराना पाउ बन गए कर दिया ऑफ कैमरा तेनो अप्लाई कर दूं पहले अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज की वीडियो जो है ना वाइटनिंग मास्क बनाने वाले हैं। चावल आजकल इतने ट्रेंडिंग में है ना, जितना भी आप टिकटॉक देख लो, यूट्यूब देख लो, जो भी देख लो, हर कोई वाइटनिंग क्रीम बना रहा है, वाइटनिंग मास्क बना रहा है, हेयर सीरम बना रहा है, फेस सीरम बना रहा है, तो वो सब चीज़ें हो रही हैं चावलों से। तो मैं भी आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी लेके आई हूँ, बहुत ईजी, जो कि हर किसी के घर में मौजूद है। जो है जिनकी शादी होने वाली है, विंटर आने की वजह से हमारी जेल जो है ना बहुत बेरौनक हो जाती है, तो इस मास्क को एक बार अप्लाई करने से ही आपको फ़र्क साफ जाहिर हो। जैपनीज वाइटनिंग जो सीक्रेट्स बताते हैं वो भी यही बताते हैं कि राइस का पानी लगा रहे हैं, वाइटनिंग क्रीम बना रहे हैं राइस की। और तो और अगर अब हम कोई वाइटनिंग क्रीम वगैरह या मास्क लेने जाते हैं तो उस पे चावल का ही लिखा हो, और ये मैंने वाकई देखा है, चावल से हमारी स्किन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये हमें सनबर्न से रोकता है, वाइटनिंग इफ़ेक्ट देता है और हमारे जो एजिंग साइंस होते हैं उनको कम करता है। अगर हम चावलों को भिगो दें और उसका जो पानी है वो दिन में 2 से 3 बार फेस पे अप्लाई करें, उससे जो ग्लो आती है और आप लोग के पोर्स जो होते हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ये मैंने सब टिप्स आजमाई हुई हैं और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जैपनीज़ कोरियन जब भी हम सर्च करते हैं तो वो यही चीज़ें अप्लाई कर रही होती हैं जिनसे उनकी स्किन इतनी गिलास स्किन होती हैं। तो चले हम भी अपनी रेमेडी को स्टार्ट कर। सबसे पहले आपने करना क्या है, अगर तो आपके पास चावल मार्केट में आप पीसे पसाए ले आते हैं तो ठीक है, वरना आपने करना कुछ ऐसे है कि चावलों को पीस लेना है अच्छी तरह, इसका जिस तरह आटा बन जाए ऐसे बना लें, और थोड़ा सा जिनको पोर्स का बहुत ज़्यादा इशू है वो थोड़ा सा मोटा मोटा रख लें, क्योंकि वो स्क्रबिंग का काम देंगी और उससे बहुत जल्दी आपके पोर्स जो है ना बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले आते हैं अपना जादुई बाउल। अच्छा, मैंने ये मार्केट से ना चावलों का जो है मास्क ख़रीदा है, ये यही इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि चावलों को पीस पैकेट में बंद किया हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है, तो मैंने ये ख़रीद लिया क्योंकि चावल पीसे हुए थे वो ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने इसे ख़रीद लिया है। आप भी चाहें तो इस तरह के जो पैक है वो ख़रीद सकते हैं, वरना आप घर पर पीस लें बेस्ट है। अच्छा, मुझे याद नहीं है सही से, मैंने शायद ये 50 रुपीज़ में ख़रीदा था और इसके अंदर बहुत ही कम, मतलब थोड़ा सा 1 फीस की होगा जो कि हम 50 रुपीज़ में अप्लाई करेंगे। साथ इन्होंने ये वाइटनिंग कैप्सूल दिया हुआ है, वाइटनिंग कैप्सूल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास वो लिक्विड वाले हैं वो यूज़ कर सकते हैं, वरना पाउडर फॉर्म में तो आम मिल जाते हैं, तो ये मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा है। अगर आप घर पे चावलों को पीस के अपने एक जार में महफूज कर लें तो वो हमारे लिए सस्ता पड़ता है। अब करना हमने कुछ यूँ है कि जो चावलों का आटा, मैं मास्क यूज़ कर रही हूँ मगर आप चावलों का आटा यूज़ कर लें, उसको अपने अकॉर्डिंग फेस के जितना लेना है आप प्याली में ले लें, और एक हमें वाइटनिंग कैप्सूल चाहिए जो कि स्किप नहीं करना, और थर्ड जो हमें चाहिए बेबी ऑयल चाहिए। बेबी ऑयल जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा ऑयल है, इसे आप मसाज, सिर्फ बेबी ऑयल से आप मसाज करें अपनी स्किन पे, 1 वीक रिजल्ट्स खुद देखेंगे, आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई हाइड्रा फेशियल करवा लिया। बेबी ऑयल की मसाज और बेबी ऑयल की क्लिनजिंग बहुत गजब की है। अगर आपके पास बेबी ऑयल नहीं है तो चॉइस में आप इसकी जगह ग्रेसलिन भी ऐड कर सकते हैं, ग्रेसलिन के जितना ऐड करना चाहें, जो हमारा ये पेस्ट एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए उतनी ऐड करनी है। अगर आप ग्रेसलिन भी ऐड नहीं कर सकते नहीं है तो घर में जो दूध है कच्चा दूध हो उसे ऐड कर लें, लेकिन मैं यहाँ बेबी ऑयल यूज़ करूँगी। अब हमने करना कुछ ऐसे है कि अकॉर्डिंग अपने फेस के हम लोगों ने ये चावलों का पाउडर जो हम लोगों ने बनाया है उसे ऐड करेंगे एक प्याली में,
मैं यहाँ लूँगी 1.5, आप चाहे तो 2 चम्मच भी ले सकते हैं। सेकंड जो हम ऐड करने वाले हैं वो है वाइटनिंग कैप्सूल। वाइटनिंग कैप्सूल मैं यहाँ पूरा ऐड कर दूँगी। आपके पास अगर लोशन वाला जिसके अंदर से क्रीम निकलती है वो है, वो भी पूरा ऐड करना है। अगर इस तरह से पाउडर फॉर्म में है तो पाउडर वाला भी हमने पूरा ऐड कर देना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे बेबी ऑयल अकॉर्डिंग हमारे पेस्ट के। पेस्ट इस तरह से होना चाहिए स्मूथ, जिस तरह हम मड मास्क अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पतला भी नहीं, थोड़ा सा हार्ड और ज़्यादा हार्ड भी नहीं कि फेस पे अप्लाई ना हो। तो मैं यहाँ बेबी ऑयल डालूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इस पेस्ट को बनाऊँगी। और अब करेंगे मिक्स 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 और बहुत अच्छी तरह मिक्स मिक्स। जितना अच्छा हम इनको करेंगे उतना अच्छा हमारा मर्द मास्क बनेगा ये मास्क। और मैं अब इसका आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगी। हम करते हैं इसको, मैं अपने हस्बैंड के अप्लाई करने वाली हूँ। बहुत मिन्नतें करके उनको व्लॉगिंग में और कैमरे के सामने मुझे लाना पड़ता है। तो चलें हम अप्लाई करते हैं। चलें अब इसको अप्लाई करते हैं इस फेस पे। अली ये अप्लाई करना है आपके फेस पे। सिरिलैक कोड ले आएंगे की? हाँ बिल्कुल सिरिलैक किया। चल अप्लाई करा दे। नो मैं ना डी मिले हाँ तो मैं और के दी करा। चलो रेडी, वीडियो चल रही है। अच्छा ये लगाना है ना। इधर गया नीचे। चलो ठीक है। क्या कर रहे सब करते ठीक है। ये खाना नहीं है। ओके फेस रिंग लाइट की तरफ करना है। टूटी जी रिंग लाइट रखी है। वाव बस बस नहीं, अभी ये जो है 15 मिनट आपको वेट करना है, इसको ड्राई होने देना है, फिर उसके बाद इसकी मसाज करके अपने फेस को वॉश करके दिखाना है रिजल्ट। क्योंकि चंगा जा फिल्टर मारी। अच्छा नहीं गोरा हो तो ला। ओहो सबर, धोना नहीं है, इसकी मसाज करके इसको फिर उतारना है। तो कितना देर लगाना पगा यार? सिर्फ 10 मिनट सबर नहीं होता, अभी तो 2 मिनट हुए। हाँ जी क्या सूरत हाल है जी? आकड़ा लिया मुँह। हाँ तो ड्राई तो होगा। अली ये देखिए मेरे हाथ पे फर्क देखे। पीछे तो कर दिशे तो जी। अच्छा सॉरी सुखा। जहाँ तक मैंने अप्लाई किया है वहाँ तक देखो और आगे से देखो। ऐसे ही आपके फेस पे फर्क आ जाएगा। आकड़न नहीं हो रहा? इन आकड़न की बीमारी है ये तेरे खानदान चो। ओ हो हो माय गॉड अली क्या रिजल्ट्स है मेरा। देखो मेरे रिजल्ट्स देख लें। ये देखिए कितना फ़र्क आया इसके फेस पे। आप मैं बिफोर आफ्टर भी वीडियो पे अप्लाई कर दूँगी। मैंने भी दिखा ना। तो तीनों ही मखानी है, उधरों थोड़ी मखाना है, इधरों मखाना है। शीशे में मोबाइल देखो ना दिखा। रिजल्ट्स पास से देख लें। इनके ओपन पोर्स हुए हुए थे वो भी काफ़ी श्रिंक हो गए हैं। और श्रिंक है? ग्लो चेक करें। मैंने दिखा ना दे। वीडियो को एंड करें। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस रेमेडी को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।